का, हम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, होमोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में, यानी कि एग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्स बेसिकली तीन में डिवाइडेड है, यानी तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, यानी कि योग की मात्रा के आधार पर एग का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ए लैसिथन, सेकेंड है माइक्रो लैसिथन, थर्ड है मीजो लैसिथन एंड फोर्थ है पॉली लैसिथन। ए लैसिथन, ए का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं या बहुत ही कम, यानी कि ऐसा एग जिसके अंदर या तो योग बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं हो या हो तो भी बहुत ही नेग्लिजिबल कंडीशन में। तो ए लैसिथन कंडीशन में योग लगभग एब्सेंट होता है और ऐसा आपको ह्यूमन के एग में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि योग का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना एग को, और ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है, तो योग जरूरी नहीं है। माइक्रोलैसिथन यानी कि बहुत ही कम प्रेजेंट तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अगर हो तो वो उस कैटेगरी में आते हैं माइक्रोलैसिथन एग्स, और ये देखने को मिलता है सी अर्चिन एंड प्रोटोकॉर्डेट्स में। थर्ड है मीजो लैसिथन, मीजो यानी ना तो कम ना ज्यादा, तो इसको हिंदी में कहते हैं संपीत की, ऐसा हमको एम्फीबियंस एम्फीऑक्सिस पेट्रोमाइसोम इनके एक्स में मीजो लैसिथन कंडीशन देखने को मिलती है। लास्ट है पॉली लैसिथन, पॉली का मतलब खूब सारा बहुत सारा, यानी कि अगर योग बहुत अमाउंट में प्रेजेंट हो, खूब सारा अमाउंट योग का प्रेजेंट हो तो आप कहेंगे कि ये एक पॉली लैसिथन टाइप का है। ऐसा हमको बर्ड्स रेप्टाइल्स के केस में देखने को मिलता है, इन एग्स में हमें पॉली लैसिथन कंडीशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट तो उसका जो एग का टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग के बेस पे हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकंड जो टाइप होता है वो है यानी कि किसी एग के अंदर योग का डिस्ट्रीब्यूशन किस भाग में किस पार्ट में जाता है उससे रिलेटेड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग कंडीशन में। ऑन द बेसिस ऑफ योग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग में हम देखेंगे फर्स्ट है आइसोलैसिथन, या इसको आप कह सकते हैं होमोलैसिथन। सेकेंड कैटेगरी है टीलोलैसिथन और थर्ड कंडीशन है फर्स्ट हो गया आइसोलैसिथन, टीलोलैसिथन और सेंट्रोलैसिथन। अब ये इस टाइप के जो एग है वो किन किन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आइसोलैसिथन या फिर आप होमोलैसिथन कह दो, यानी कि जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे एग में एक समान है, ना किसी भाग में कम ना किसी भाग में ज्यादा। तो इस तरीके से आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि साइटोप्लाज्म भी है
प्लस योग भी है। और योग पूरे ऐप के अंदर समान रूप से फैला हुआ है। टीलो लेसिथल में ये ऐप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक भाग में यानी डिस्कॉइडल रूप में आपको देखने को मिलेगा, एक साइड में डिस्क की शेप में देखने को मिलेगा। योग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि एक डिस्क की फॉर्म में दिखाई देगा, तो उस टाइप के ऐप को हम कहेंगे टीलो लेसिथल ऐप। यानी कि अगर योग एक डिस्कॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट है के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्नो में
आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म का शेप जो है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग होता है, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, चूहे के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर है। और टाइप्स ऑफ स्पर्म में हम देखेंगे कि ये स्पर्म जो है वो मेन दो में डिवाइडेड है, नॉन फ्लैजिलेट एंड फ्लैजिलेट। नॉन फ्लैजिलेट यानी कि अकशादिक और फ्लैजिलेट यानी कि कशादिक, यानी कि जिसके अंदर टेल प्रेजेंट है वो तो कहलाएगा फ्लैजिलेट टाइप्स ऑफ स्पर्म, और जिसमें टेल एब्सेंट है वो कहलाएगा नॉन फ्लैजिलेट। तो नॉन फ्लैजिलेट जनरली आप जानते हैं कि सभी ज्यादातर मोस्टली एनिमल में नॉन फ्लैजिलेट टाइप का, ये फ्लैजिलेट टाइप का देखने को मिलता है। नॉन फ्लैजिलेट हमको देखने को मिलता है निमेटोडा एंड डिप्लोपोडा, और फ्लैजिलेट टाइप का हमें मोस्ट यानी ज्यादातर एनिमल्स में हमको फ्लैजिलेट टाइप का देखने को मिलता है। तो ये हो गया कुछ टाइप्स ऑफ स्पर्म और टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में। नेक्स्ट हम